लेकिन शेखावत जी ये भी फैक्ट है अभी पिछले कुछ दिनों में अगर हम गुजरात की सड़कों में देखें तो कांग्रेस नहीं दिख रही लेकिन केजरीवाल दिख रहे हैं और मजबूती के साथ दिख रहे हैं लेकिन अभी जब मैं आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो भी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे थे क्योंकि आपने एम के चुनाव करवा दिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए दिल्ली में अस्तित्व बचाने के लिए अभी उनका फोकस जो है वापस नगर की तरफ हो गया है नहीं यही लोग कह रहे हैं कि चूकी एमसीडी चुनाव एक साथ करा दिए गए इसलिए उनको गुजरात छोड़कर दिल्ली जाना पड़ गया चलिए अगर उनके पास में इतना बड़ा काडर था और इतनी ताकत थी तो शायद दोनों जगह चुनाव लड़ सकते थे पर आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट तो होगा अरविंद केजरीवाल के, के यहाँ आने से एक चुनौती बनी है भले आपके लिए ना ही पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जब हिमाचल का चुनाव शुरू हुआ था तब इसी तरह के प्रश्न किए जा रहे थे कि हिमाचल में आपकी बार आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है आंकड़ा शून्य सिफर पर रहेगा और ये इस गुजरात में भी और गुजरात के लोग जिनके लिए मोदी जी गुजरात का पनोता पुत्र है जिन जिस गुजरात के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी अभिमान का विषय है सम्मान का विषय है स्वाभिमान का विषय है उस गुजरात में जिस गुजरात के बेटों ने इस देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाया है उस गुजरात में देश तोड़ने की बात करने वाले और मोदी की को गाली देने वाले उन दोनों लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में ज़ीरो रहेगा और यहाँ बिग जीरो रहने वाला